सो गाइज, इनकी गुड मॉर्निंग हो चुकी है। आज हॉस्पिटल में हमको फिफ्थ डे, और मैम से आज हमने बोला डिस्चार्ज का भी, हालांकि तबीयत पहले से अच्छी है। सुबह सुबह पेपर चल रहे हैं। देखो पापा मुझे मम्मा ने क्या बोला। यहाँ पे मैंने व्यू को नीला के ब्रश व्रश करवा दिया है अच्छे से। अब नाश्ता करेगी, फिर मैम राउंड पे आने वाले, फिर वो बताएंगे कि डिस्चार्ज होगा या नहीं आज भी। वैसे तो पहले से बहुत अच्छी है, पहले से बेटर है विहाना, और उसका पेट का इन्फेक्शन भी बहुत हद तक कम हुआ है। तो देखते हैं मैम क्या बोलते हैं। घर जाने की खुशी है, इधर मुँह करो। घर जाने की खुशी है। घर जाता है, मेरा हाथ देखो कैसा हो। ये पहले इस हाथ में था ही कितनी कदर, मैं बता रही हूँ कैसा था। अरे मम्मा देखो, ये जो डॉट दिख रहे हैं ना, ये है न्यू टंकी का कनेक्शन। ये सेंसर तेरे नाम 450 रुपए में टंकी मिल रही है। तो मैंने टॉयलेट दिखाया ना, वो है वो, ये लगा थे इधर और ये इधर लगा दिया, दोनों हाथे हो गया बेटा। अब ये जो था ना, ये हाथ में लगा था, अब वो इस हाथ में लग गया और मेरे दोनों हाथ में हो गया। मम्मा घर जाने के लिए पैकिंग कर रही है, और यहाँ पे पापा बैठे हुए हैं, और यहाँ पे मैं कृष्णा जी का वो देख रही हूँ, मैं जो कि मैं हूँ, ये कृष्णा जी का वो देखते हैं ना, तो वो देख रही हूँ मैं। मम्मा पापा, मम्मा ये पकड़ के ब्लॉग में मुझे तो दिखा दो, गाइस ने तो कुछ देखा ही नहीं, और मैं ये देख रही हूँ। देखो अच्छी हो गई तो कितनी बहुत अच्छी बात है। क्यों नाश्ता आ गया आपका, खा लो। नाटक करते हो बहुत, कुछ नहीं खाना होता है। मैं नहीं खा पाऊंगी, मेरा आज उपास है, 11 से फास्ट है। ये लीजिए आप खा लो, वो तो नहीं खा रही है। हाँ मैम, क्या करना है मैम? पिज्जा, मैगी, बर्गर, कोल्ड ड्रिंक, चिप्स, कुरकुरे, ये सब बिल्कुल भी नहीं देना है। नहीं तो वापस एडमिट कर लेंगे ना। विदाउट पेरेंट्स, विदाउट पेरेंट्स, मम्मी पापा नहीं लेंगे इस बार, आपको अकेले को रहना है अगर ये सब खाया तो, क्योंकि पेट में फिर से इन्फेक्शन हो जाएगा बाहर का। इस बार तो एक ही हाथ में सुई है, फिर हम लोग एक साथ दो दो हाथों में भी लगाते हैं, गले में भी लग जाएगी। देखा, ठीक है, बिल्कुल नहीं खाना है, मैम ने बोल दिया। सब खाना है, रोटी सब्जी इडली डोसा उत्पम, घर का सैंडविच भी है मम्मी बना के दे, वो भी वंस अ वीक, नॉट डेली बेसिस, ठीक है। संडे संडे, संडे स्पेशल। और ये नहीं खाएगी तो मैं मोबाइल लैपटॉप टैब ये सब भी नहीं देखना है। इससे बच्चे बीमार होते हैं। आउटडोर गेम ज्यादा खेलना है, बैडमिंटन और ये सब चीजें, इंडोर गेम नहीं खेलना है। ठीक है, बाहर जो आप गेम खेलते हो ना, वो सारे गेम्स खेलना है आपका। साइकिल चलाओ, बैडमिंटन खेलो, फुटबॉल, जो भी आपको आपका फेवरेट गेम हो, ठीक है। आप गार्डन जाते हो ना, जैसे रनिंग करते हो, याना जी के साथ खेलते हो, लूसी के साथ खेलते हो, वो सब उधर मैंने ही रिकॉर्ड कर लिया, और जब भी आप कुछ मांगोगे तो मैं दिखा दूंगी आपको। दोनों पापा बेटे उधर वो चाय के साथ बिस्किट खा रहे, इधर दूध के साथ, और मैं तो आज नहीं खाऊंगी। क्यों नहीं खाऊंगी व्यू? क्या जाते हो पास से? सब ठीक है आज डिस्चार्ज? हाँ। मैम को मालूम है आपके, मतलब पहले बर्थडे से मालूम है कि आपको क्या तकलीफ है और आपका इलाज क्या है जी। देखा, और अभी इलाज ये है कि बाहर की चीजें नहीं, बाहर तो आप उसको और एडमिट करेंगे ना, और विदाउट पेरेंट्स, फिर मम्मी पापा नहीं होंगे। नहीं, ऐसा नहीं करेंगे, शी इज गुड गर्ल, और वो आप कहना मानेगी, है ना। आप एक नेगेटिव अप्रोच रखिए मत, पॉजिटिव ही रख कि शी विल नेवर डू व्हाट वी डिनर, तो शी विल डू गुड थिंग्स, ओके। हरी सब्जियां खाएगी, फ्रूट्स खाएगी, सैलेड खाएगी, है ना भैया। और खाने में देख, ऐसा पूरा मम्मी को एक लिस्ट दे देना कि पोहा, उपमा, डोसा, उत्तपम,
इडली ये सब खानी है, सिर्फ सिलेक्टेड चीजें खाती मैम। आलू की सब्जी, आलू की सब्जी, दाल चावल और भिंडी, इसके अलावा कुछ नहीं खाती है। तो भिंडी दे और आलू बिल्कुल नाम मात्र को डाल और बाकी वेजीज डाल। उसको ज्यादा ना प्यार करते हैं तो बस पिज्जा दिला दो, तो ये पापा की मना कर रहे हैं। ये कितनी देर तक देखती है टीवी या मोबाइल? तो आज डे फिफ्थ होगी, डे फिफ्थ है, तो इन लोग अभी जब निकलेंगे ना तो और एक एक डोज लगा के और निकाल देना, निकाल देना। फिर अपने एंट्रो जर्मिना दिया है, हाँ वो दो दिन के लिए कंटिन्यू कर ले। सो गाइस, डॉक्टर से मैंने भी मेरे लिए लिखा लिया है दवाई, क्योंकि मेरे को भी बहुत ज्यादा क्रैम्स आ रहे हैं इस कारण, क्योंकि मैं सोते सोते उठ के बैठना पड़ता है, मेरे को इतने ज्यादा क्रैम्प आते हैं नींद में से। विटामिन्स की कमी बताई है बहुत ज्यादा डॉक्टर ने मुझे। क्या चाहिए बेटू? एप्पल दे दो, घर चलना है। अब सब खा रही है, मैम ने बोला सब खाओगे तो घर जाना के लिए मिलेगा। लंच आ गया व्यू का, व्यू लंच कर लो बेटा। सो गाइस, फाइनली हम जा रहे हैं घर। इसको देखो, पूरा पैकिंग कर लिया हमने, नीचे सामान गया, बस व्यू की निडल निकलेगी। तो बेटा क्या इसको लगा के घर थोड़ी ना जाएंगे, बस फिर डिस्चार्ज की फॉर्मेलिटी पूरी की जा रही है यहाँ पे, है ना? कुछ नहीं हो रहा है, वो तो निकालना पड़ेगी कोई, आप उसको लगा के तो जाओगे नहीं। इसको रख लो ना, आ जाएगा, धीरे से निकाल रहे हैं वो। रिहाना गुड गर्ल है, ब्रेव गर्ल एकदम। बिल्कुल धीरे से करेंगे, बहुत धीरे। बस बस वन सेकेंड, देखो हो गया, थोड़ा सा क्लीन कर दे वो। ये वाली बी न्यू सिरप है, हाँ मेरे पास ये सिरप है। कुछ नहीं हो रहा है, व्यू चिल्लाओ मत, देखो धीरे से निकाल रहे हैं ना। हाँ ठीक है, धीरे दिन में तीन बार हो गया, सुबह दोपहर शाम साढ़े तीन वाले ये पाँच दोगे ना? हाँ ये रात में लेना, मैं इसमें से देख के कर लूंगी। हाँ ठीक है, बाकी पाँच दिन के बाद में मैडम को दिखा। हाँ ठीक है, घर का नॉर्मल खाना खिला। ठीक है ठीक है, चले बाय कर लो दादी को, बाय करो, चलो खो रुको इधर, कहाँ गई गाड़ी? वो रे पापा, मेरे को बहुत क्रैम्प्स आ रहे हैं यार, मैं क्या करूँ? आउच। सो गाइस, हम लोग घर के लिए निकल गए। रियाना वेलकम टू होम, वेलकम बैक। कैसा लग रहा है घर आके? अच्छा लग रहा है, अब आराम से, अब अच्छे से रेस्ट करना, खाना पीना बाहर का कुछ नहीं मिलेगा, अब सब घर का खाना है। सो गाइस, व्यू को नहला दिया है, अब मैं भी नहाऊंगी, इतना फैलारा पड़ा हुआ है घर में इतने दिन से, वो भी सब करना है, फिर खाना बनाऊंगी, फिर अभी मंदिर भी जाना है। जाओ व्यू बैठो, आप थोड़ी देर रेस्ट करो, फिर मैं। गाइज, ये वाला व्लॉग मैं यही ख़त्म करती हूँ, कल मिलते हैं न्यू व्लॉग के साथ। आपको व्लॉग के साथ लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग अ वीडियो एवरीवन। एंड कौन कौन चाहता है मैं डेली व्लॉगिंग करूँ, डेली क्या करती हूँ, तो वो ज़रूर मुझे कमेंट करना।